कि हमारे टाइम में बच्चों को मार के स्कूल भेजना पड़ता था। अच्छा। अब जो है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मारना नहीं पड़ता, उनको इस तरह की चीजें जितनी आप डाउन करेंगे उतनी डाउन होती जाएगी। आपको सिर्फ इसको पुश करना है। अच्छा। या खुद उठ पे खुद ला देंगे। हाथ में मैंने उल्टा करके गिराया। सही है। और ये दोबारा से बंद हो गया। अब थ्री बच्चों के लिए मतलब पेन भी साथ में खिलौना भी। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद दानियाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फॉर्मेशन पी के। भाई आज मैंने दोबारा विजिट कर लिया है वसी ट्रेडर पे और आपको आज मिलेगा हमारा सेकंड पार्ट, इस वीडियो का सेकंड पार्ट। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको शुरू में गाइड करवा दूंगा। तो आइए व्यूअर्स फिर सेकंड पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं किचन से, क्योंकि आपको पता है पबजी के ज़्यादातर बच्चे शौकीन हैं। सही है। पबजी वगैरह किचन से स्टार्ट करते हैं। सर ये आयरन मैन का हैंड किचन है। सही है। इसकी प्राइस 120 रुपीज़ है। 120 जी। ज़बरदस्त। अच्छा जी। इसके बाद ये हल्का मुक्का है। हल्का मुक्का जी। ये देखिएगा भाई, थैनोस का मुक्का लग रहा है मुझे तो ये। इस पर तो हल्क बना हुआ। अच्छा, क्या प्राइस है इसके? इसके प्राइस है 160। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी किचन लगी हुई है, ये देखिएगा व्यूअर्स। सर इसके अलावा ये पबजी का कैन हो गया। सही है। थॉरस का वो हो गया थोड़ा। सही है। इसके अलावा इसमें आप बटन दबाएंगे तो इसका ये कार्टून चेंज होगा। जबरदस्त। इसके प्राइस है 220। इसके बाद ये पबजी का हेलमेट है। अच्छा। इसके बाद एक ये गायरो किचन आता है। अच्छा, ये सबके प्राइस अलग अलग हैं? जी सर, सबके प्राइस अलग अलग हैं। ये जबरदस्त। इसके प्राइस है 190। इसके बाद आयरन मैन का फेस है, स्पाइडर मैन का ब्लैक फेस है, रेड फेस है। इसके अलावा स्पाइडर मैन में ये है। सही है। और एक अच्छा ये भी, इतनी बड़ी गन, जबरदस्त है। ये भी किचन है? ये भी किचन है, बिल्कुल किचन है और प्योर मेटल पे बना हुआ है। मेटल पे बना हुआ है, जबरदस्त है। और इसकी हेवीनेस भी आप चेक कर सकते हैं। जबरदस्त भाई, गन के शौकीन ले सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस 400 है। 400, जबरदस्त। मेटल पे ना ये? मेटल पे। इसके अलावा ये पबजी का ड्रॉप, एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप, सही है। और इसके अलावा कार वाले जो है, कार वाली की चेंज भी है। सही। निसान, होंडा, इसकी क्या प्राइस? टोयोटा, इसके भी प्राइस 200 है। 200 है। अच्छा, ये इस तरह की जो किचन है इसकी क्या प्राइस है? 150 रुपीज़। इसमें दो किचन है। अच्छा, 150 रुपीज़ जी। सही है, सही है। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये इसकी भी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 200 है। 200, सही है। अच्छा जी, ये कुछ लेडीज़ के लिए भी ज़रा बताइए। ये खुशी किचन है, इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है। 150 रुपीज़, सही है जी। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक पेंसिल बॉक्स पर आते हैं। अच्छा जी, इसकी क्वालिटी के पहले आप देखते हैं, फिर इसकी प्राइस की बात करते हैं। अच्छा, क्वालिटी दिखाएंगे पहले। पहले तो ये इसका किचन है। सही है। ठीक है, फ्लफी किचन है। फ्लफी किचन है। सही है। और इसके बाद ये पेंसिल बॉक्स है। वाह भाई, ज़बरदस्त। अब इसकी क्वालिटी, इसकी हैवीनेस, मेटल मटेरियल, हर चीज़ चेक करने के बाद। ज़बरदस्त भाई, ये है क्या प्राइस इसके? सर इसके प्राइस है 1200 रुपीज़। 1200। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइएगा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं? इसके अंदर आपको 3 से 4 कलर मिल जाएंगे और अच्छा। हर कलर के अंदर अलग अलग डिज़ाइन होंगे। अच्छा अच्छा। किसी में किचन चेंज होगा। अच्छा। किसी में मिरर लगा हुआ होगा। सही है। किसी में डॉल होगी, किसी और सही की। इस तरह के किचन है। अच्छा, ये दिखाइए। गिफ्ट सेट है पूरा बच्चों के लिए, मतलब बच्चे पास वगैरह होते हैं तो पेरेंट दे देते हैं या रिश्तेदार गिफ्ट कर देते हैं। सही है। इसके प्राइस 180 रुपीज़ है। 180। इसमें ग्लासेस हैं, शॉर्पनर है, रेजर है, दो पेंसिल हैं। जबरदस्त। इसके अलावा एक ये है, 5 पेंसिल हैं, शॉर्पनर, रेजर, मार्कर, पीछे बोर्ड है, डायरी है। ये क्या प्राइस है? 180 है। 180। इसके अलावा एक डोरा मिल जाएगी और 3-4 किटी मिल जाएंगी, 3-4 और कैरेक्टर मिल जाएंगे। अच्छा, ये वॉचेज जिसमें लगी हैं, वॉच वाला, इसके प्राइस है 170 रुपीज़। 170 वॉच वाले की। अच्छा अच्छा। इसके अलावा है ये छोटा, इसमें भी दो पेंसिल, डायरी, रेजर, शॉर्पनर। सही है। इसके प्राइस 90 रुपीज़ है। 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ में। तो इसमें आपको कैरेक्टर भी मिल जाएंगे, गर्ल्स के अलग, बॉयज़ के अलग। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये सब 90 रुपीज़ का जो मतलब। सही है। अच्छा, इसके बाद ये बच्चों का हेयर बैंड है। अच्छा, ये भी मैजिकल हेयर बैंड है। अच्छा, क्या मैजिकल? अरे वाह भाई, ज़बरदस्त। मतलब इसको बटन प्रेस करेंगे तो चेंज होगा? ये चेंज होगा, थर्ड उस पर बंद हो जाएगी। ज़बरदस्त। इसके प्राइस 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। सही। इसमें भी कलर्स मिल जाएंगे? इसमें भी आपको 6 से 8 कलर मिल जाएंगे। 6 से 8 कलर, सही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ठीक है दानियल भाई, तो आप गर्मी का तोड़ लाते हैं। अच्छा, ये है हैंड फैन। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त। मतलब ये आप ऐसे करते रहें और ये चलता रहेगा, आपके हाथ की मसाज भी होती रहेगी और आपको हवा भी लगती रहेगी। क्या बात है भाई, ये भी मतलब इसमें कितने क्या 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 कलर वगैरह हैं इसके अंदर? इसके अंदर इसी कैरेक्टर के अंदर आपको 3-4 कलर मिल जाएंगे। अच्छा, इसके प्राइस हैं 200 रुपीज़। 200, सही है। इसके बाद ये आपको आइसक्रीम शेप में मिल जाएगा। आइसक्रीम शेप में,
अच्छा जी, आइसक्रीम शेप में भी आ गया, इसके अंदर आपको एक ही कलर मिलेगा। अच्छा, फैन भी साथ में, खिलौना भी, सही खिलौना भी, आपके हाथ की मसाज होती रहेगी। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा ये चांद बना हुआ है। अच्छा जी, इसके भी प्राइस 200 रुपीज़ हैं। 200, सही है। इसके बाद है ये मिनियंस वाला भी है। इसके बाद एक ये डोरेमोन है, एक और, इसके भी प्राइस 200 रुपीज़ हैं। 200 रुपीज़ इसके भी, सही है। इसके बाद एक मिनियन है, सही है। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त, इसमें डबल पड़ लगे हुए हैं। अच्छा, तो दानियल भाई, बर्तन धोते वक्त एक सबसे बड़ा मसला आता है कि साबुन कहाँ रखें, ये कहाँ रखें, ये आपके सिंक के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। सिंक डायरेक्ट, सिंक का जो नल होगा उसके साथ डायरेक्ट लग जाएगा। यहाँ पे अपना साबुन आप रखेंगे, बर्तन धोने के बाद चमचे, कांटे, छुरी वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और उसी का तौलिया, अच्छा, किचन वाला है ये, किचन वाला, सही है। और किचन का वही छोटा सा जो तौलिया होता है नैपकिन, सही, उसको आप डायरेक्ट इसमें हैंग कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस 200 रुपीज़ है। 200 रुपीज़, सही है, ठीक है। इसमें आपको 3 से 4 कलर मिल जाएंगे। सर वो बेशतर आपने देखा होगा, क्या चीज़? कि अक्सर वो बेशतर देखा होगा कि गंदगी जो है फिर सिंक के अंदर जारी होती है, गिर होती है, तो उसका हल है, ये भी आपके सिंक के नल के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, फिर आप जब बर्तन धोते हैं, जैसे गंदा सालन वगैरह या थोड़ा बहुत जो बचा हुआ होता है वो आप इसके अंदर गिरा देंगे, सही है। या कुछ भी कचरा होता है इसके अंदर गिरा दिया आपने, सही है। जब आपका काम हो गया डायरेक्ट इसको जाके डस्टबिन के अंदर पलट दिए, जबरदस्त, तो सारा वहीं पे गिर जाएगा। इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस 130 रुपीज़ है। 130 ईच, सही है। इसमें आपको 3 से 4 कलर मिल जाएंगे, सही है। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद है ज्वेलरी बॉक्स, छोटा सा, छोटा सा बिल्कुल, ज्वेलरी बॉक्स छोटा सा, जबरदस्त भाई। 3 ड्रॉर में है। अच्छा, 3 ड्रॉर है ना? 3 ड्रॉर है। इसके प्राइस 190 रुपीज़ है। 190, इसमें बड़ा साइज भी आता है? इसमें बड़ा साइज आता है लेकिन फिलहाल ख़त्म हुआ हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, तो दानियल भाई इसके बाद आते हैं डेकोरेशन की तरफ, सही है। ये है लैंप, ये लैंप है, लैंप है। अच्छा, ये बच्चों के रूम में डेकोरेट करने के लिए है, सही सही। इसके पीछे ये डबल टेप लगा हुआ है, सही है। जस्ट लाइट ऑन करनी है, असल में यहाँ पे लाइटें बहुत ज़्यादा हैं, सही, तो इसकी लाइट का अंदाज़ा नहीं होगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ये जिस कॉर्नर में जलनी है? जी, ये पूरे कॉर्नर में जलनी है, सही। इसके प्राइस हैं 120 रुपीस। 120 रुपीस, 120। पीछे से ऑन होता है ये? पीछे से ऑन होता है, पीछे से ऑन होता है। ये वॉल पे स्टिक हो जाएगा, डबल टेप हट जाएगा आपका, ये स्टिक हो जाएगा। सही है, सही। इसके प्राइस हैं 120 रुपीस। 120 रुपीस। इसमें अलग अलग करेक्टर, अलग अलग इमोजी करेक्टर मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है ये डेकोरेशन बटरफ्लाई, इसके साथ डबल टेप दिया हुआ होता है, सही है। 3 साइजेस होते हैं और हर साइज की 4-4 बटरफ्लाई होती हैं। अच्छा, इसको आप डबल टेप को रिमूव करके इस साइड, ये जो सेंटर का कॉर्नर है यहाँ पे लगाएंगे और इसको जस्ट वॉल पे या कहीं पे भी स्टिक कर देंगे, सही है। और फिर इसको आप जब बटरफ्लाई की तरह फोल्ड करेंगे तो बटरफ्लाई की तरह बन जाएगी, सही है। डेकोरेशन के लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट में भी 4 बटरफ्लाई लगा सकते हैं या बर्थडे पार्टी लगा सकते हैं, सही है, सही है। अच्छा, इसके अलावा आपको ऑल ओवर कराची या कहीं पे भी ग्लोइंग स्टार देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन ग्लोइंग बटरफ्लाई नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, ग्लोइंग बटरफ्लाई है ये? ग्लोइंग बटरफ्लाई, ये अंधेरे में ग्लो करती है और ये गारंटीड के साथ ग्लो करेगी। अच्छा, ये इसके साथ भी डबल टेप दिया हुआ है, आपको जस्ट रिमूव करना है, सही है। और एक पोर्शन यहाँ पे लगाना है और जब इसको स्टिक करना है, सही है। ठीक है, प्राइस के अंदर? इसके प्राइस है 120 रुपीज़। 120 रुपीज़, अच्छा। इसके बाद मैग्नेट बटरफ्लाई, सर ये मैग्नेट बटरफ्लाई है, सही है। इसके भी अंदर 12 पीसेज होते हैं, हर 3 साइजेस होते हैं, हर साइज़ की 4-4 होती हैं, सही है। ये इस तरह से स्टिक होती है, अगर आप चाहें तो इसको बटरफ्लाई की तरह भी फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अब ये होगा बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह फोल्ड, उसको तो बड़ा साइज़ भी आपके पास इसमें? ये है बड़ा साइज़, ये देखिएगा भाई, बड़ी प्यारी सी लग रही है, छोटी सी, ये सही है। अच्छा, इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस है 150 रुपीज़ का कार्ड है, इसके अंदर 12 बटरफ्लाई है। अच्छा, 150 रुपीज़ का पूरा ईच कार्ड है और उसके अंदर 12 बटरफ्लाई है, सही है। ज़बरदस्त, अब ये बिल्कुल आप जो बात कर रहे थे वो आ गई, तो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ही दिखेगी। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे क्या? जी, इसके बाद रेजर। अच्छा, रेजर है, रेजर, और ऐसे रेजर के बच्चे आपको खुद बोलेंगे मम्मा हमें ये दिलाओ, हमें इसको लेके जाने। अच्छा, ऐसा क्या है भाई इसमें? तो ये फैंसी रेजर है और बिल्कुल आपका पेज काला नहीं करेंगे, सही। डेकोरेशन के हवाले से भी काम में आ जाते हैं और बच्चे वैसे ही आजकल फैंसी चीज़ें, ऐसा है कि हमारे टाइम में बच्चों को मार के स्कूल भेजना पड़ता था। अच्छा। अब जो है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मारना नहीं पड़ता, उनको इस तरह की चीज़ें दिलानी पड़ती हैं। ये बच्चे खुद शौक से स्कूल जाते हैं और फिर दूसरे बच्चों को दिखाते हैं, ये बात तो है। तो सर इसके प्राइस हैं 170 रुपीज़। अच्छा, ये भी रेजर है? ये भी रेजर है। अरे भैया, ये मतलब ये साइड में ये भी रेजर है? ये भी रेजर है, बिल्कुल, ये भी रेजर। इसके भी प्राइस 170 रुपीज़। 170 रुपीज़, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा रेजर में एक दो वैरायटी जो है ना शॉर्ट हुई है, इंशाल्लाह। अच्छा, वो भी आपको मिल जाएगी। ये क्या चीज़ है? फिर ये डेकोरेशन वाले स्टिकर है। अच्छा, ये भी डेकोरेशन वाले स्टिकर, ये भी डेकोरेशन वाले स्टिकर हैं, ये भी जस्ट आपको रिमूव करने और पेस्ट करने। इसके प्राइस 80 रुपीज़ हैं। 80 रुपीज़। इसमें आपको काफ़ी सारे मतलब अलग अलग मिल जाएंगे, हैप्पी बर्थडे का मिल जाएगा, लव का मिल जाएगा, इसके अलावा बच्चों के
वाले से मिल जाएगा। अच्छा, अलग अलग प्राइस है, सेम प्राइस है? सेम प्राइस है, 80 रुपीज़ सेम प्राइस है। ठीक है सर, अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या? अनिल भाई लैंप से स्टार्ट करते हैं, डेकोरेशन वाले लैंप, नाइट लैंप। अच्छा नाइट लैंप है, नाइट लैंप, अब वो भी डेकोरेशन वाले। सही है, वो भी मैजिकल लैंप, क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी। अच्छा मैजिकल क्या है इसके अंदर? सर ये मैजिक इसमें ये है, आपने इसको जस्ट प्लग के अंदर लगाना है, अपना स्विच ऑन करना है, जब तक आपकी रूम की लाइट्स ऑन रहेंगी ये खुद ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया नहीं करेगा। अच्छा मतलब सेंसर वेंसर है? सेंसर है, जैसे ही आप रूम की लाइट्स ऑफ करेंगे तो ये खुद ऑन हो जाएगा। सही, इसके फ्लावर्स के अंदर लाइट जलेगी। अच्छा फ्लावर्स के अंदर लाइट जलेगी, फ्लावर के अंदर लाइट जलेगी, ये इसका मैजिक है। जबरदस्त। अच्छा कितने का ये? सर ये 260 रुपीज़ का है। सही है। अच्छा इससे जो है एक थोड़ा सा छोटा है। अच्छा ये भी है, ये भी सर, इसके प्राइस है 220 रुपीज़। अच्छा इसके अंदर करेक्टर ही बना हुआ है, करेक्टर बना हुआ है। क्या प्राइस है इसके? 220 रुपीज़। 220 रुपीज़। ये अच्छा, बैटरी वाला है या डायरेक्ट प्लग वाला? ये भी डायरेक्ट प्लग वाला, ये बटन वाला है, सेंसर अच्छा, वाला अच्छा, नहीं ये बटन वाला। अच्छा इसके फ्लावर रिमूव हो गया, आप दोबारा भी ला सकते हैं, इसके इन तीनों कॉन में लाइट जलेगी। सही। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे क्या है? हाँ आगे चलते हैं सर, बिल्कुल आगे चलते हैं। इसके बाद एक ये लैंप है, ये भी लैंप है, ये भी लैंप है सर, ये भी एक बना हुआ है, ये भी ये सेंसर वाला है। ये सेंसर वाला है, इसके भी अंदर पूरे में लाइट जलेगी। सही, ये दिखाइएगा, जबरदस्त भाई, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है जी। ठीक है, क्या प्राइस है इसके? इसके भी प्राइस 220 रुपीज़ है। 220 रुपीज़। अच्छा इसके बाद ये क्लाउड बना हुआ है। अच्छा जी, इसके भी प्राइस 220 रुपीज़ है, सॉरी 130 रुपीज़ है। 130 रुपीज़, जबरदस्त। अच्छा इसमें क्लाउड के अलावा भी और भी करेक्टर्स आते हैं? बहुत सारे करेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ये है चिक बना हुआ है, चिक बना हुआ है, चिक क्लाउड, क्या क्या चीज़ें भाई? इसके प्राइस 140 रुपीज़ है, ये भी सेंसर वाला। अच्छा जी, इसकी आप मार्केट में इस टाइम पे प्राइस मालूम करेंगे तो इसकी प्राइस मार्केट में 250 रुपये है। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 140 का है। ज़बरदस्त। अच्छा जी आगे चलते हैं सर, इसके बाद है ये किटी वाला लैंप, किटी वाला, ये इस पर किटी बनी हुई है, ये बटन वाला। सही है सर, इसके प्राइस 130 रुपीज़ है। 130। इसके अलावा भी इसके अंदर चांद सितारा और भी बनी फेस और भी करेक्टर, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी है इसके अंदर, करेक्टर्स काफ़ी सारे ना। अच्छा जी उसके बाद ये स्पेसशिप वाला, स्पेसशिप, स्पेसशिप जादू आया जाएंगे, जादू आया था। अच्छा जी ठीक है सर। अच्छा ये जादू आया था, उसके साथ ही ये जादू वाला भी है। अच्छा अच्छा, सेंसर वाला भी है। अच्छा आपके एक टच पे ऑन भी हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट आप इसको 10 मिनट पे सेट भी कर सकते हैं कि 10 मिनट बाद खुद बंद हो जाएगा, 10 मिनट बाद खुद ऑन हो जाएगा। सही है। इसी तरह आप इसको 30 मिनट पे भी सेट कर सकते हैं, या 30 मिनट बाद खुद ऑन हो जाएगा। सही। अगर आप सेट करना चाहेंगे 30 मिनट बाद खुद ऑफ हो जाए तो उस तरह से भी ऑफ हो जाएगा। आप चाहे तो ऊपर वाली लाइट भी ऑन कर सकते हैं, चाहे तो ये सेंटर वाली भी कर सकते हैं। सही। चाहे तो ये नीचे वाली। मैं चाहूँगा कि आप ये चला के दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। सर बिल्कुल आपको चला के दिखाएंगे। इसका अच्छा सेंसर है जितना इसको यहाँ पे, दानियल भाई सही, ये इसका सेंसर है जितना इसको अंधेरा मिलेगा ये उतना तेज चलेगा। अच्छा ये अभी असल में रोशनी बहुत है और फिंगर इतना सही आपको सही पता है, बिल्कुल डार्क नहीं कर पाएगी इसको। सही ये सही है। अच्छा नेक्स्ट है गया इसका रिमोट। सही है। हमने इसको ऑन कर लिया, ये बंद हो गया। सही है। ये ऑफ हो गया। मीडियम में ये वाली लाइटें जल गई, जबरदस्त, सारी लाइटें बंद हो गई, नीचे वाली लाइटें अभी भी जल गई हैं। सही है। इसके बाद आप इसको अगर तेज़ करना चाहें तो तेज़ का भी ऑप्शन है। सही है। सारी ऑन करके जितनी आप डाउन करेंगे उतनी डाउन होती जाएगी। सही है। जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ाते जाएंगे। बेहतरीन भाई, बंद हो गया, ज़बरदस्त चीज़ है। और इसका आप, अच्छा इसके प्राइस क्या बताया आपने? इसके प्राइस है 475 रुपीज़। 475। इसको आप 10 मिनट पर सेट कर देंगे। सही है। आफ्टर 10 मिनट खुद बंद हो जाएगा। अच्छा 10 मिनट बाद खुद बंद हो जाएगा जी। और अगर 30 मिनट पे सेट करेंगे तो 30 मिनट बाद खुद बंद हो जाएगा। जबरदस्त। और ये ऑफ होगा और आप उसको 10 मिनट पे सेट करेंगे तो 10 मिनट बाद खुद ऑन हो जाएगा। इस तरह से जबरदस्त। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे रिवर्स के लिए? टूथपिक यूज़ हर घर में होती है। सही। और क्या ही बात होगी अगर टूथपिक भी फैंसी हो जाए। ये तो बात है, जबरदस्त। ये सर आपकी आ गई फैंसी डेकोरेशन टूथपिक। अच्छा जी, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ इसको पुश करना है। अच्छा, या आपको टूथपिक खुद ला के दे देंगे। अरे क्या बात है भाई, अगर ऐसी रियल लाइफ में चाहे हो कुछ मज़ा तो मज़ा आ जाए जी। तो इसकी ये आपने रिमूव करी। अच्छा जी, फिर दोबारा डाउन करा ये टूथपिक। अच्छा मतलब जो है फिलअप कहाँ से होगी? फिलअप यहाँ से होगी सर, ये फिलअप का तरीका है। ज़बरदस्त। अच्छा और नेक्स्ट, जब तक इसके टूथपिक लगी हुई होगी सही है, ये दूसरी टूथपिक उठाने के लिए नहीं जाएगी। अच्छा मतलब नीचे नहीं जाएगी? नीचे नहीं जाएगी। अरे वाह, ये थोड़ी सी फंसती रहेगी। सही सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे क्या सर? अच्छा इसके प्राइस नहीं बताया आपने। इसके प्राइस हैं 450 रुपीज़। 450 रुपीज़। 450। सही है। अच्छा समोसा बनाना रमज़ानों में, इसके अलावा समोसा बनाना आपको पता है आजकल कितना मुश्किल हो जाता है। सही। अगर समोसा बनाना भी इजी हो जाए और वो भी डेकोरेशन में आ जाए। अरे वाह भाई ज़बरदस्त। आपको सिर्फ पूरी लेनी है। सही है। उसके ऊपर मसाला डालना है। सही है। और जस्ट अप करना है। अरे क्या बात है, आपका समोसा तैयार। समोसा तैयार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं। सही। आपको सिर्फ तलना है।
अच्छा इसके क्या प्राइस है भाई? इसके प्राइस 300 रुपीज़ हैं। 300 सही पूरी फरारी ज़बरदस्त, बड़ी यूनिक चीज़ है आपकी शॉप पे तो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी आगे चलते हैं। दानिल भाई ये है आपका मसाजर। अच्छा ये कैसा मसाजर है भाई? सर ये हेड मसाजर है। अच्छा ये एक एक करके आप लगाएंगे इसमें। सही है। मतलब ये ज्वाइन होने के बाद जो काम करेगा जाएंगे और इजीली आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, और दोबारा अच्छा। लगा भी सकते हैं। सही है। ये तीन तो आप लगा चुके हैं, ये चौथा लगाया। अब ये आगे पीछे ना हो ये इस वजह से इसमें ये सॉकेट आ जाएगा। सही है। इसको भी जस्ट से पुश करना है और ये आपको मसाजर तैयार। अच्छा इसकी बॉल रोटेट होती हैं। अच्छा अच्छा रोटेट होती हैं। रोटेट होती हैं। ये असल में भी थोड़ा सा सही से बैठा नहीं है। सही। ये तकरीबन इस तरह से और फिर इस तरह से आपको यूज़ करना है इसको। अरे वाह भाई क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ये। अच्छा ये कितने का है? तो इसके प्राइस हैं 200 रुपीज़। 200 रुपीज़। मैंने कहा आप मज़ा ले रहे हैं मसाज का है। बिल्कुल। अच्छा भाई आगे चलते हैं। बाद आते हैं ग्लोइंग स्टार पे। अच्छा जैसे हमारा ग्लोइंग वो दिखाया था, ये स्टार बटरफ्लाई, ये ग्लोइंग स्टार है। अच्छा ये 80 रुपीज़ के हैं और ये 110% ग्लो करेंगे। ये मार्केट में आपको 40-50-60 रुपए का मिल तो जाएगा, लेकिन वो एक सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जो ग्लो नहीं करता किसी भी सूरत में, वो ग्लो नहीं करता। अच्छा तो आपको एक दिखाने के लिए मिल जाता है कि ग्लो करेगा। सही। अब आप रिटर्न लेके उसको जा नहीं सकते क्योंकि आपको उसको वॉल पे स्टिक करके उसको बिल्कुल वेस्ट कर चुके हैं। सही है। मैं आपको 100% की भी नहीं 110% की गारंटी दूंगा कि ग्लो करेगा। ज़बरदस्त। ये कितने का क्या प्राइस बताया? इसके प्राइस है 80 रुपीज़। 80 रुपीज़। ये क्या है, कैंडी है छोटी छोटी खाने के लिए? नहीं सर ये है ग्लोइंग स्टोन। अच्छा ग्लोइंग स्टोन, वाह यार ये आपके अंधेरे में ग्लो करेंगे। एक आध दिखाना, ये देखें भाई। अच्छा मतलब ये रखना है ग्लो करेंगे ये? ना थोड़ा सा रखना है और ग्लो करेंगे। ये देखिएगा भाई हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा हो ग्रीन ग्रीन ग्लो। अच्छा दानियल भाई ग्लो का तरीका बेसिकली ये होता है, ये जब लाइट के पास लगे हुए होते हैं ना तो ये ग्लो करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है ना तो इसका रेडियम आप समझ लें चार्ज हो जाता है, रेडियम के अंदर एनर्जी आ जाती है, इसके बाद ग्लो करते हैं ये। अच्छा अच्छा। बेसिकली इस तरह से समझिए कि आपके घर के अंदर ग्लोइंग घड़ी भी लगी हुई होती है रेडियम वाली। सही है। अगर वो कहीं आपके बल्ब के पास या रोशनी में लगी हुई होती है ना तो उसके बाद जब लाइट जाती है तो वो ग्लो करती है। सही। बल्ब आपका इस साइड पे, लाइट आपकी इस तरफ लगी हुई, आप लाइट जाती है या उसको, फिर वो ग्लो नहीं करती क्योंकि उसको उस तरह रोशनी मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती। ठीक है ठीक है। इसका भी यही तरीका होता है। सही है। ये वैसे बेसिकली एक्वेरियम वगैरह में डालने के लिए होते हैं या गार्डन वगैरह में रखने के लिए होते हैं। इसके प्राइस हैं 95 रुपीज़ के 25 पीस हैं। 95 रुपीज़ के 25 पीस हैं। सही है भाई आगे चलते हैं। ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये क्या रखा हुआ है? ये सर ये है आपके मिनी डांसर। मिनी डांसर? मिनी डांसर। ये आपको डांस करके दिखाएंगे। अच्छा ये मुझे डांस करके दिखाएंगे, कैसे करेंगे भाई? सर ये तो गिर गया। गिर गया। अच्छा अच्छा आपको जस्ट बेसिकली ये करना है कि या एक तो गिरेगा नहीं, अच्छा मतलब स्ट्रेट रहेगा। अच्छा अच्छा। अब बुफे के पास आप इसको लगाएंगे तो ये यूँ हिलते रहेंगे या कार वगैरह में आप लगाएंगे तो ये हिलते रहेंगे। अच्छा दूसरा दानियल भाई आप इसको जिस तरह से भी फेंकें या कुछ भी करें ये अपना बैलेंस आउट करके इस तरह से गिरेगा नहीं। अच्छा ये नीचे नहीं आएगा या इस तरह से डाउन नहीं होगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। ये यहाँ रखा हुआ है। सही। ये गिराया, ये गिरने के बाद दोबारा स्ट्रेट खड़ा हो गया। अरे वाह भाई क्या बात है। इसी तरह से ये एक मैंने लिया। सही है। ये हाथ में मैंने उल्टा करके गिराया। सही है। और ये दोबारा स्ट्रेट करके आ गया। क्या बात है भाई। अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है। ये बुफे के टाइम पे इस तरह से मतलब बुफे की उसपे इस तरह से हिल होता है। सही सही। ये कितने का है भाई? सर ये है 100 रुपीज़ के 3। 100 रुपीज़ के 3। 3। ज़बरदस्त भाई। और क्या है ऐसी खास चीज़ जो हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद है? कलर किट, और वो भी डेकोरेशन में। अच्छा ये आपकी कलर किट लगी हुई है। सही। बॉयज़ के गर्ल्स के लिए सॉरी 2-3-4 कैरेक्टर मिल जाएंगे। अच्छा बॉयज़ के लिए 2-3-4 कैरेक्टर मिल जाएंगे। सही है। अच्छा नेक्स्ट ये होती कैसी है? अच्छा जी दिखा दीजिए। ये टूटा हुआ पीस है। सही है। लेकिन ये आपको शो कर दूंगा किस तरह से होता है। सही है। 1। अरे वाह भाई 2। ज़बरदस्त। 3 एंड 4। अरे वाह भाई शॉपनर भी है साथ में। शॉपनर भी है। बच्चों की ईद हो जाएगी। ये इस तरह से होता है कि ये वाला मतलब खुल जाता है ना पूरा, खुल जाता है। अभी थोड़ा सा आपका डैमेज हुआ है जी, ये वाला प्लेट यहाँ पे आ जाता है। सही सही। और ये इस तरह से हो जाता है। सही। बड़ी जबरदस्त यूनिक चीज है ये तो बच्चों के लिए। गिफ्ट भी बड़े आराम से वो दे सकता है और फिर यूज करने में भी बच्चों को मजा है। अच्छा ये क्या प्राइस के अंदर है? सर इसके प्राइस इस टाइम पे 580 रुपीज़ है। 580 रुपीज़। अच्छा वैसे रिटेल में क्या प्राइस चल रही है? इसके प्राइस रिटेल में 700-750 इस तक जाते हैं। अच्छा सही है। आगे चलते हैं। आगे क्या? आगे चलते हैं। ये था आपका 46 पीस। सही है। अच्छा इसके बाद है ये 42 पीस। 42 पीस। इसके अंदर 42 में क्या है? 42 में है आपके वाटर कलर
मोम कलर, ऑयल पेस्टल, मार्कर। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। ये क्या प्राइस के अंदर है सर? इसके प्राइस हैं 350 रुपीज़। 350 रुपीज़, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। आगे चलते हैं 68 पीस। 68 पीस, 68 में क्या क्या होगा? अरे वाह भाई, जबरदस्त। अच्छा मतलब कलर्स, ऑयल पेंट वगैरह सब यहाँ क्वांटिटी बढ़ जाती है। ज़बरदस्त। ये है 550 का। 550 का, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। आगे चलते हैं, इसके बाद इसमें आता है 86 पीस। 86 पीस, ये फिलहाल ख़त्म हुई हुई है। सही है। और इसके रेट इस वजह से कोट नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है इनकी परचेजिंग डॉलर में होती है। अच्छा, डॉलर अप एंड डाउन होता है तो रेट में बड़ा फर्क आ जाता है। खोल के दिखाएं हमारे व्यूअर्स? बिल्कुल, खोल के दिखा सकते हैं। अरे वाह भाई, बड़ी प्यारी चीज़ है ये तो, ज़बरदस्त। 86 पीस। 86 पीस, इसके बाद इसमें आती है 150 पीस। ठीक है दानियल भाई, तो इसके बाद आते हैं एक और कलर किट पे। इसके पीस हैं 54 पीस। यार बच्चों की तो ईद हो गई, हमारे वक्तों में तो था ही नहीं ये। बिल्कुल ऐसा। और ये हो गया आपका, अरे वाह, वन मोर पीस रेडी। आपके वाटर कलर किट रहे, सही है। ठीक है, मार्कर किट रहे। क्या जबरदस्त यूनिक प्रोडक्ट्स है यार। आपकी कलर पेंसिल किट रहे, जबरदस्त। आपकी ऑयल पेस्टल किट रहे, जबरदस्त। दोबारा गई अंदर, ये बंद। और ये इतना ज़बरदस्त बॉक्स किट बनी है भाई, मुझे लग रहा है मुझे बचपन में वापसी जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप इसको इजीली उठा सकते हैं, हैंड कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त यूनिक बॉक्स बना हुआ है ना बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें लेडीज़ भी होगा आपके पास? इसमें लेडीज़ भी होगा। सही, लेडीज़ रखा हुआ नहीं है वरना लेडीज़ भी। चले वो हम बाद में दिखा देंगे, पहले आगे चलते हैं। क्या सर इसके बाद है? ये क्या है भाई? चूल्हे पे जो सालन वगैरह रखते हैं उसके कपड़े वगैरह गर्म पकड़ने के लिए। सही, उसको भी ले आते हैं डेकोरेशन में। अच्छा अच्छा, तो आपने नॉर्मली घर में दिखा होगा कि कपड़े से उठाते हैं। सही, तो अब आपको कपड़े से भी उठाने की ज़रूरत नहीं, अब उसको भी डेकोरेशन में ला के दे देते हैं। अच्छा 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 सर, इसको आप इस तरह से तवे को या चूल्हे को इस तरह से आपने पकड़ लिया, रख लिया। नेक्स्ट इसको आप रख के कहीं भूल नहीं सकते, आपने यूज़ कर लिया। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त। कहाँ चिपकाइए? नहीं, मतलब टाइल पे या किचन। अच्छा, में आपने यूज़ करने के बाद, ये तो मैं अभी लेफ्ट चिपका रहा हूँ ना, आप यूज़ करने के बाद इसको यहाँ चिपकाएंगे। अच्छा अच्छा, ये चिपक जाएगा आपका। इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 150 रुपीज़। 150 रुपये पेयर है ना? 150 पेयर है, 150 का। सही है, ये बस ये स्टिक हो गया। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है दानियल भाई, इसके बाद आते हैं एक और चीज़ पे। ये क्या है ब्रो? सर इसके अलावा ये एयर टाइट जार है। अच्छा, इसमें आपको 3 साइजेस मिल जाएंगे, इसमें आप अपना ड्राई फ्रूट वगैरह या जो भी चीज़ रखना चाहें। अच्छा, बिल्कुल रख सकते हैं। ज़बरदस्त भाई, एक तो इसके अंदर आपने रख ली कोई भी चीज़, ड्राई फ्रूट रख लिया या पानी भी डाल के आप रख लेंगे। इसको आप सील कर देंगे ना, ये निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं इसका पानी, गारंटीड। ज़बरदस्त भाई, चीज़ तो बड़ी क्वालिटी वाइज है। इसके प्राइस 100 रुपीज़ के, ये 3 पीस का पेयर है। अच्छा, 100 रुपीज़ में 3 पीस मिलेंगे, मीडियम लार्ज। और दूसरा ट्रांसपेरेंट है कि आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं या कहीं पर भी आप रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ज़बरदस्त दानियल भाई, इसके बाद आते हैं पेंसिल बॉक्स पे। और क्या ही बात हो कि पेंसिल बॉक्स में भी टॉर्च लगी हुई है, बेहतरीन। तो पेंसिल बॉक्स भी आपका आ गया टॉर्च वाला। सही है, ये आपको एक कैरेक्टर खोल के दिखा देते हैं, या ये स्पाइडरमैन के अंदर। तो ये आपका पेंसिल बॉक्स। सही है, ये आपका शॉर्पनर का बॉक्स। सही है, ठीक है। और ये क्या भाई? अरे वाह भाई, ज़बरदस्त, पेंसिल बॉक्स के अंदर भी लाइट आ गई है और लैंप आ गया। क्या बात है, कॉपी में काम करते हुए इसको इस तरह भी कर लेंगे और आप लिखते जाएंगे। चार्ट वाज होता है कोई? इसके अंदर सेल लगे होते हैं घड़ी वाले, जो आपके हैंड वॉच होती है उसके सेल लगे होते हैं। सही है, सही है। अच्छा, इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस हैं 280 रुपीज़। इजीली सेल होते हैं कि ऐसे सेल होते हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बाद ये पेंसिल बॉक्स में। अच्छा, पेंसिल बॉक्स की काफ़ी वैरायटी है ना आपके पास? सही है, डायरेक्ट रेट कोट करते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाते जाते हैं सर। ये छोटा साइज का है, इसके प्राइस हैं 220 रुपीज़। सही है, अगर खोल के बोलेंगे तो आपके व्यूअर्स को खोल के भी दिखा देंगे। सही है, इसके प्राइस हैं 190 रुपीज़। 190 रुपीज़, ये मेटल के अंदर, मेटल अंदर एक और कार है। अच्छा, इसके बाद है ये पियानो स्टाइल बना हुआ है। सही, इसके प्राइस हैं 130 रुपीज़। सही है, इसके बाद है एक और पेंसिल बॉक्स, ये ज़रूर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके प्राइस हैं 455। अच्छा, अवेंजर वाला, सिविल वॉर वाला, जबरदस्त भाई। अच्छा, ये तो आपका एक नॉर्मली पेंसिल बॉक्स आ गया, ये इसकी ट्रे आ गई, ये आप हटाएंगे नीचे ट्रे आ गई। सही है, ये बंद हो गया। अब अरे वाह दानियल भाई, कैलकुलेटर, और वो भी पलटने वाला कैलकुलेटर। क्या बात है भाई, इजीली यूज़ करा, ज़बरदस्त। यूज़ करने के बाद ये क्या चीज़ है? तो ये तो ऐसी है। अच्छा, ये ऐसी है, ये एक तरह का क्लास शेड्यूल चार्ट भी आप इसको बना सकते हैं। ज़बरदस्त, हाँ वही मैं देख रहा था ना। अच्छा, ये इतनी प्यारी चीज़ कितने की है सर? इसके प्राइस हैं 460 रुपीज़, 460 रुपये। अच्छा, ये मैगनेट वाला है कि आप इजीली इसको यूज़ करके डायरेक्ट पलट भी जाएगा, ख़राब नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा नॉर्मली जो आपके जो कैलकुलेटर होते हैं ना,
उसमें ऑन का बटन तो होता है, ऑफ का बटन नहीं होता, वो आपकी सेल पीता जाता है। सही। इसके अंदर आपको ऑफ का बटन भी दिया हुआ है कि आपको कैलकुलेटर यूज करने के बाद डायरेक्ट बंद कर देंगे। सही। अच्छा, बच्चे चीटिंग भी कर सकते हैं। चीटिंग भी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे इसके अंदर आपको गर्ल्स बॉयज दोनों के करेक्टर मिल जाएंगे। सही सही। अच्छा, ये काफी बड़ा वाला है। ये बड़ा वाला है और ये भी कैलकुलेटर वाला है। अच्छा जी, इसके प्राइस है 400 रुपीज। ये आपका कैलकुलेटर आ गया, ऑन का बटन, इसके अंदर भी आपको ऑफ का बटन दिया हुआ है। सही है। और पेंसिल बॉक्स भी बड़े साइज का है। सही है। अच्छा जी सर, ये क्या चीज़ है उस्ताद, पहले ये बताओ मुझे। सर ये आपको 1 2 3। अरे वाह भाई, ये क्या था? ये तो आपने मुझे मतलब एकदम चौंका दिया। चौंका दिया, जंपिंग इमोजी है। अच्छा, बंदा खेलते ही रहते। अब इसको हाथ पे रखना, नहीं तो अगर ज़मीन पे रखेंगे तो और पर जाएगा। अच्छा। और ऊपर तक टच करके आएगा। अरे वाह भाई, क्या बात है। प्राइस है 80 रुपीज़। अब सही है, दिल नहीं कर रहा। उड़ना नहीं चाह रहा आपके हाथ से। बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह से उड़ना, ये ऊपर जाएगा। सही सही। चलिए आगे चलते हैं। है ये इंजन वाला पेंसिल बॉक्स। अच्छा, इंजन वाला पेंसिल बॉक्स। क्या क्या निकाल लिए चाइना ने। अच्छा जी, लगे हुए असल में, मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा, टायर भी लगे हुए। टायर भी लगे हुए, और पूरा इंजन बना हुआ है। चलेगा ये? चलेगा, जगह नहीं है, वरना मैं आपको चला के दिखाऊँ। चलता हुआ जाएगा। ये है कितने का? इसके प्राइस है 450 रुपीज़। 450 रुपीज़। सही है जी। अच्छा अच्छा, मैं व्यूअर्स आप लोगों को बताऊं, काफ़ी बड़ी इनके पास जो है ना वैरायटी है पेंसिल बॉक्स के हवाले से। आप लोग आएंगे तो आपको आइडिया होगा, सारा ये होलसेल प्राइस के अंदर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पेंसिल बॉक्स के अलावा कुछ दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। सर इसके अलावा एक हेयर बैंड मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, लाइट वाला। अब ये क्या अंदर है? एक ये फर वाला। फर वाला? फर वाला, मतलब आपके पास हर तरह की वैरायटी। बच्चे यहाँ खुश हो के जाएंगे। बिल्कुल खुश हो जाएंगे, बल्कि आप ये बोल सकते हैं पेरेंट्स तो लाएंगे नहीं, पहली बात यहाँ लाएंगे नहीं, और अगर बच्चे आ गए तो फिर उनका यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। बिल्कुल। सर इसमें ये स्टॉपर लगा हुआ होता है ताकि इसके सेल वेस्ट ना हो। सही है सर। ये 1। अच्छा जी। 2। अरे वाह। 3 देन ऑफ। जबरदस्त। इसमें आपको 2 से 2 कलर मिल जाएंगे। अच्छा, पिंक और वाइट। पिंक और वाइट, ये देखिए दोनों ऐसे कलर हैं कि दोनों ही बच्चे लेके जाते हैं गर्ल्स के लिए। सही, दोनों ही काम में आ जाते हैं। जबरदस्त। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारी? आगे है सर आपका एक और लैंप, रैबिट वाला। रैबिट वाला बनी। बनी सर। 1। अरे वाह भाई, जबरदस्त। 2 3 देन ऑफ। सही है। 3 इसमें फंगा वो प्रोग्राम्स ही है ना। सही, इसका भी प्राइस 150 रुपीज़ है। सही है जी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटी। अच्छा, ये क्या चीज़ है पहले ये बताएं। सर ये भी आपका एक है गर्मी का फैन। अच्छा, गर्मी का फैन। अरे वाह, इसके प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, 70 रुपीज़ है। 70 रुपीज़, क्या बात है। मिनियन के अंदर बना हुआ है ना। मिनियन के अंदर बना हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा, और ये क्या चीज़ रखी हुई है? सर ये है आपका स्प्रिंग कहलाता है। अच्छा, स्प्रिंग कहलाता है, रेनबो स्प्रिंग। सही सही सर, बेसिकली मतलब खेलने के लिए बचपन में यूज़ किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से। इसके क्या प्राइस है अभी? सर इसमें आता है 3 पीस का सेट आता है, स्मॉल, सॉरी मीडियम, स्मॉल और लार्ज। लार्ज, ज़बरदस्त। 150 रुपीज़ का ये 3 पीस का सेट होता है। अच्छा, 150 रुपीज़ का 3 पीस का सेट होता है। सही। इसके अलावा भी इसके अंदर मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स वाला भी मिल जाता है। अच्छा, कैरेक्टर्स वाला भी होता है जो 80 रुपीज़ का है। सही। इसके अलावा ये कैरेक्टर्स में इसकी ह्यूज वैरायटी लगी हुई है। अच्छा, ये देखिएगा भाई, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अलग अलग उसके साथ अलग अलग रेट्स हैं। सही है। अच्छा, ये इसके पीछे आयरन मैन का, आयरन मैन का मास्क रखा हुआ है, ये क्या है भाई? सर आयरन मैन का मास्क है हमारा, ये भी बच्चों के लिए खेलने के लिए है। अच्छा, नॉर्मल मास्क है। नॉर्मल मास्क है या पीछे पर स्टिक हटा के बच्चे पहने। ये तो बचपन में हमने बहुत पहने हैं, मगर ये आयरन मैन का नहीं पहना। आयरन मैन का नहीं पहना होगा। अच्छा, ये क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। इसके बाद आपको इसमें जोकर का मिल जाएगा। सही है। इसके बाद आपको इसमें कैप्टन अमेरिका मिल जाएगा। ये तो कैप्टन अमेरिका, एवेंजर के तो बच्चे बड़े शौकीन होते हैं। सही है। और इसके अलावा आपको ये जोकर, जोकर मिल जाएगा, ये जो आजकल चल रहे हैं जोकर वाले। सही, बिल्कुल। क्या प्राइस बताया आपने इसके? सर इसके प्राइस है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इस इधर जो है ना कुछ एक्टिविटी लगी हुई है, ये क्या है? बिल्कुल एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में सबसे कम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, एक ये है, इसके अंदर एक बल्ब है, सिंगल बल्ब है और सिंगल नॉर्मल हुआ है। सही है। बच्चे पूरा बल्ब वगैरह ऑन कर सकते हैं, पूरी एक्टिविटी कर सकते हैं। सही है। पूरा प्रोसेस दिया हुआ था, पीछे बना हुआ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा अबव। सही है। इसके अंदर 2 बल्ब दिए हुए, कंपास है और सेल है। इसके प्राइस है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़। इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस 140 रुपीज़। 140 रुपीज़। अच्छा, अब इससे भी ऊपर आते हैं, इसके साथ है फैन, सॉरी फैन, बल्ब, सेल, मोटर। सही है। सेल का ऑप्शन, ये पूरा फैन आप और ऑन कर सकते हैं, कील वगैरह भी दी हुई है, मैग्नेट से आप अटैच करके कील वगैरह उठा सकते हैं। सही। इसके प्राइस 200 रुपीज़। 200 रुपीज़।
और ये रेस का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बना होगा। कितने का है सर? इसके प्राइस है 160 रुपीज़। ये मैंने अभी पहली बार देखी, वरना और किसी ने मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करवाया ये अभी तक। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अनवे लड़कियों की चीज़ों के लिए आ जाते हैं। अच्छा, ये नेल पेंट नेल सेट आ गया। सही है। इसके प्राइस है 140 रुपीज़। 140 रुपीज़। अच्छा, ये भी लगा हुआ है ये। अच्छा, इसके थोड़ा सा बड़ा साइज है, इसके प्राइस है 160 रुपीज़। इसके अंदर भी आपको तीन वैरायटी मिल जाएगी, मतलब ये बड़े नेल्स वाला है। सही है, सही। लेंस भी रखे हुए हैं बच्चों के। सही है। इसके दानियल भाई, तो इसके बाद है ये, आपने देख लिया। सही है। इसके अंदर दो नाखून रखे हुए हैं, नेल पॉलिश रखी हुई है, नकली लेंस रखे हुए हैं। सही है। इसके बाद एक ये सेट है। सही है। इसके अंदर आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अंदर बाद एक और चीज़ है। अच्छा अच्छा। इसके बाद दानियल भाई, आपको एक ह्यूज वैरायटी मैं अभी दिखाऊं तो फिर दिखा सकता हूं, लेकिन आपको पूरी दिखाना जो है ना, शो करना, एक एक चीज़ का डेमो देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो उसके लिए आपके व्यूवर्स को हमारे थर्ड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। सही जो है। शायद ही आशुरा के बाद आएगा। सही तो है। इसके लिए उनको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। सही। और बेल बटन को दबा के रखना पड़ेगा। अच्छा, बेल बटन को भी दबा के रखना पड़ेगा। अच्छा जी। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। ठीक है, आपको पहला पार्ट भी दिखाया, ये इनका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट के अंदर भी आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने नहीं देखी होंगी और बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज से ज़्यादा शेयर करें और इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लें। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और कंप्लीट कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस दोबारा गाइड करवा दूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। गाइड कर दें सर। एड्रेस है हमारा गुल प्लाजा के बिल्कुल पीछे अपोजिट साइड पे, सिटी शॉपिंग प्लाजा, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7 और 8। मोबाइल नंबर है 03453196473 और पीटी सेल नंबर है हमारा 03202132710519। सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को गाइड करा। अब व्यूअर्स, लोगों को पता चल सके भाई कराची शहर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दानियल नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।